हेलो, गुड मॉर्निंग. सो सेंड ऑल ऑफ यू योर रोल नंबर इन द इनबॉक्स. एवरीवन काइंडली सेंड योर रोल नंबर एंड नेम इन द इनबॉक्स फॉर अटेंडेंस. अटेंडेंस हो गया सबका. चलो, लास्ट क्लास में जो सवाल पूछ रहे थे आप लोगों ने, उसका बहुत सेटिस्फैक्ट्री जवाब बहुतों ने नहीं दिया. एंड स्टिल यू हैव कंफ्यूजन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरेटिक मेडिसिन. सो एक बार फिर से शॉर्ट में, सेकेंड ईयर वाले, एक अपना नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों निकाल के रखो. सेकेंड ईयर निकाल ली सर. चलो, आप कुछ पॉइंट्स है इसको लिख लो, बिकॉज सेकेंड ईयर में आपको एटलीस्ट बेसिक कितना है वो आपको बता रहे हैं. अदरवाइज डिस्कशन में तो इसमें बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए थ्योरेटिक मेडिसिन से. हमने लास्ट क्लास में आपको मोरल रेमेडी यहाँ पे इसलिए बताया था कि बिकॉज अगर उससे कंपेयर करके इसको नहीं आप करोगे, समझोगे नहीं, तो एक ये जो कुछ कुछ डाउट जो इस थ्योरेटिक मेडिसिन के बारे में है, ये हमेशा के लिए ही बना रहेगा. सो सबसे पहला पॉइंट्स लिखो थ्योरेटिक मेडिसिन के बारे में अपने नोटबुक में, कि थ्योरेटिक मेडिसिन इज नॉट ए सब्सटेंस ऑफ मेडिसिन. रेदर इट इज called about a system of medical practice. लिख लिया. यस सर. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज कंसर्न्ड विथ व्हाट फिजिशियन परफॉर्म विथ his patient but this performance is wholly dependent on
based on what conception comma what logic what principle is behind this performance this प्रिंसिपल ये जो प्रिंसिपल ये जो कॉन्सेप्शन बता रहे हैं ये एक्चुअली डिसाइड करता है थ्योरेटिक मेडिसिन. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो थ्योरेटिक मेडिसिन इज एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर बच्चे कुछ वेट कर रहे हैं उनको एडमिट कर लीजिए प्लीज. तो बच्चे को बोलो टाइम पे आ जाए मत इस तरह से वो वेट करते रहेंगे तो वेट ही करते रहेंगे फिर. चलो ऐड कर दिया अभी बट सबको बोलो टाइम पे ज्वाइन करे. ऐसे 40 मिनट मिलता है 10 मिनट तो अटेंडेंस भी खत्म हो जाता है. ठीक है आ गया है वो क्या बता रहे थे. हेलो सर आपने बिहाइंड दिस परफॉर्मेंस तक को पॉइंट लिखाया था. ठीक है चलो नेक्स्ट ये बता रहे थे कि थ्योरेटिक मेडिसिन इज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट इज अपोजिट टू द रेशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन. लिख लिया अपोजिट टू रेशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन. रेशनल लॉजिकल सिस्टम ऑफ मेडिसिन. लिख लिया यस सर. ठीक है अब तीसरी जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको आप समझ लो अपने लैंग्वेज में इंटर कर लेना कि देखो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से दिमाग से क्लियर कर लो कि थ्योरेटिक मेडिसिन का मतलब होता है पेशेंट से बात करना जरूरी है. पेशेंट को उसका स्टेट ऑफ इलनेस बताना जरूरी है. आज अगर आप करंट अभी मेडिकल एथिक्स देखोगे तो इट इज मैंडेटरी राइट ऑफ द पेशेंट दैट टू नो अबाउट हिज डायग्नोसिस टू आस्क द फिजिशियन अबाउट हिज प्रोग्नोसिस एंड टू आस्क द फिजिशियन अबाउट हिज प्रिस्क्रिप्शन. सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम पेशेंट को उसके बीमारी के बारे में बता रहे हैं तो वो थ्योरेटिक मेडिसिन होगा. अगर हम पेशेंट को उसके प्रोग्नोसिस के बारे में बता रहे हैं तो वो थ्योरेटिक मेडिसिन होगा. अगर हम पेशेंट को उसके हेल्थ स्टेट के बारे में कुछ बता रहे हैं तो ये थ्योरेटिक मेडिसिन होगा. नहीं ये बिल्कुल नहीं है. आपको जो हमने अभी मोरल रेमेडी में बताया है कि पेशेंट्स को वहाँ फिर बात करके ही ठीक करते हैं वो उसका एस्पेक्ट है वहाँ पे नीड है वो लॉजिकल है वो एस्टैब्लिश्ड है. थ्योरेटिक मेडिसिन तब होगा जब आपको खुद एक रेशनल इंफॉर्मेशन नहीं है डिजीज के बारे में जब आपका खुद एक रेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप करने जा रहे हो उसके बारे में और आप एक अननेसेसरी एक इलॉजिकल कुछ बातें बना रहे हो पेशेंट के साथ उसको जस्ट मैनिपुलेट करने के लिए. सो व्हेन यू आर मैनिपुलेटिंग योर पेशेंट विथ योर वर्ड्स एंड यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म यू आर नॉट एबल टू डिलीवर द नीड ऑफ द पेशेंट. पेशेंट को
क्योर करने के लिए जो चीजें रिक्वायरमेंट है आप उसके कैपेबल नहीं हो, और उसके बजाय आप बातें बना रहे हो। बातें क्यों बना रहे हो? बिकॉज यू हैव बेस्ड योर नॉलेज, यू हैव बेस्ड योर सिस्टम ऑन जस्ट ए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, ऑन जस्ट एन इरेशनल एस्पेक्ट, जस्ट ऑन हाइपोथेसिस, जस्ट ऑन दोज वर्ड्स विच आर नॉट प्रूवन लॉजिकली। तो जब आपका ज्ञान ही उस तरह का है तो आप परफॉर्म तो कर नहीं पाओगे पेशेंट के साथ, बट आपको वो एंगेजमेंट करते रहना है पेशेंट के साथ, तो आप क्या करोगे? बैठ के बात बनाओगे? इनको कहते हैं, बिकॉज आप जो कर रहे हो, आप जो पेशेंट से बात कर रहे हो, आप जो पेशेंट को समझा रहे हो, दे आर नॉट बेस्ड ऑन एनी लॉजिक, दे आर नॉट बेस्ड ऑन एनी रीजन। सो इसको कहते हैं, जो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ ना, इंटरवेविंग एम्प्टी स्पेकुलन, ये खोखली बातें जो बता रहे हो आप पेशेंट को, बेतुकी बातें जो आप बता रहे हो पेशेंट को, ये जो उसका टाइम खराब कर रहे हो और अपना जस्ट एक टाइम पास कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिक मेडिसिन। दैट मीन्स द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरेटिक मेडिसिन इज द कॉन्सेप्ट अपॉन विच द फिजिशियन इज वर्किंग। It is just not that what the physician is working, but it is more on what concept, what principle upon which this physician is working. If this concept is rational, if this concept is logical, if this concept is based on experiment, then it is not theoretical medicine. Then it is justified in medicine. But if all these performances are opposite to what I have just said, based on hypothesis, irrational, not experimental, just based on dogmatism, just based on someone's idea, and you are not able to achieve your desired result, to the patient, to ease your patient, to relieve the suffering of the patient, then this type of hypothetical interaction with the patient, what Hahnemann is saying, is theoretic medicine. Sometimes we have to understand a different translation. Kabhi kabhi kya hai ki ye jo जर्मन टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे लैंग्वेज के वेरिएशन से कभी कभी कुछ चीजों को फिर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग आ फर्दर इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स ले जाते हैं। तो अगर स्लाइट डेविएशन हुआ है जर्मन से इंग्लिश में, वर्ड चूज करने में, सेंटेंस एस्टेब्लिश करने में, और अगर हम उस स्लाइट एस्टेब्लिशमेंट को, उस स्लाइट डेविएशन को अब फर्दर एक्सप्लेन करने के अंदर में फिर यहां से डेविएट करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो ओरिजिनल था उससे बहुत ज्यादा डेविएट हो जाते हैं। एक छोटा सा पॉइंट बता रहे हैं, अभी सेकेंड ईयर में आप लोगों के पास किसके किसके पास ओरेली वाला ट्रांसलेशन है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का? सेकेंड ईयर बोलो वैभव, कुछ बोल रहे हो? मेरे पास है ओरेली, एक बुक है मेरे पास ओरेली, ओरेली बुक है। चलो वेरी गुड, आप उसमें एफ्रोजम 1 का फुटनोट निकालो। मिला? यस सर। चलो उसमें जाओ, नीचे फुटनोट में देखो, वहां पे जो लिखा हुआ है थ्योरेटिकल मेडिसिनल आर्ट, पढ़ो एक बार उसको, उस वर्ड को अच्छे से, जोर से।
सर पूरा पैरा पढ़ना है, फुटनोट का है सर, वो लाइन पढ़नी नहीं है नहीं उस वर्ड को जो देखो इटैलिक्स में लिखा है उसको पढ़ो सिर्फ। थ्योरेटिकल मेडिसिन आर्ट इज गिवन एंड फॉर विच स्पेशल प्रोफेशनशिप्स आर इंस्टीट्यूटेड। आप सिर्फ वो जो इटैलिक्स में उतना ही पढ़ो, आर्ट तक जोर से पढ़ो थोड़ा सा। थ्योरेटिकल मेडिसिनल आर्ट, ठीक है, थ्योरेटिकल मेडिसिनल आर्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब तुम इसको कंपेयर करो जो यहाँ डचन में लिखा हुआ है थ्योरेटिक मेडिसिन। अब देखो दोनों में एक जगह पे थोड़ा सा कंफ्यूज होने का स्कोप है अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं लिए हो, लेकिन अगर आप वही देखो जो ओरेली में ठीक से लिखा हुआ है वहां पे उसको और क्लियर कंसाइज कर दे रहा है। अब जब वहां पे थ्योरेटिकल मेडिसिनल आर्ट की बात कर रहा है तो आर्ट अब वहां पे सब्सटेंस नहीं है, ये चीज ज्यादा क्लियर है ना। यस सर। हेलो, यस सर, ठीक है। तो अब वहां पे देखो वहां पे और क्लियर हो गया, दैट मींस वो एक प्रैक्टिस, वो एक सिस्टम की बात कर रहा है। थ्योरेटिकल मेडिसिनल आर्ट मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा वे जो बेस्ड है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ कहोगे थ्योरेटिक मेडिसिन, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो कि किसी सब्सटेंस, किसी मेडिसिन, किसी परफॉर्मेंस की बात में। नहीं, ये एक सब्सटेंस के बारे में नहीं कह रहा है, ये उस कॉन्सेप्ट के बारे में कह रहा है, उस प्रिंसिपल के बारे में कह रहा है बेस्ड अपॉन विच यू आर परफॉर्मिंग, बेस्ड अपॉन विच यू आर डूइंग व्हाट एवर यू आर डूइंग हियर। ठीक है, सो थ्योरेटिक मेडिसिन इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच इज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, विच इज बेस्ड ऑन इरेशनल कॉन्सेप्ट। हनीमैन वहां उस चीज को क्रिटिसाइज करने जा रहा है, हनीमैन वहां किसी सब्सटेंस की बात नहीं कर रहा है, हनीमैन पेशेंट से बात करने के लिए मना नहीं कर रहा है, उसको नहीं क्रिटिसाइज कर रहा है। बट आप जो कर रहे हो, बात कर रहे हो या परफॉर्म कर रहे हो, वो आपका जो इनर मोटिव है वो किन चीजों पे बेस्ड है, दैट डिसाइड कि वेदर इट विल बी कॉल्ड थ्योरेटिकल मेडिसिन और नॉट। सेकेंड ईयर में जिसके पास नहीं है ये किताब जो ओरेली का ट्रांसलेशन है सेकेंड सिक्स्थ एडिशन का, ये आप लोग परचेज कर लो। इसमें फायदा यह है कि दो चीजें मिलेगी। और किस किसके पास है सेकेंड ईयर में ये किताब? सेकेंड ईयर और कितनों के पास है ये किताब? कोई नहीं आवाज दे रहा। मुदब्बिर सर किसी के पास भी नहीं है। वेरी गुड, 150 रुपए की किताब है, ठीक है, एक वीक दो पेप्सी की बोतल कम पीना, मिल जाएगी ये किताब। ले लेंगे सर। चलो इसको लेके पढ़ लेना। चलो अभी आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है डजन वाली? यस सर। ठीक है, अब आप उस डजन वाले का इसी के रेफरेंस में बताना, थ्योरेटिक मेडिसिन प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन पे आओ। यस सर। ठीक है, उसमें देखो जो पहला सेंटेंस लिखा है फिजिशियंस आई एम माय ब्रदरन, इसको छोड़ के उसके बाद वाले पैराग्राफ में आओ। यस सर। अब उसको जोर से पढ़ो। I have to inquire whether medicine as hitherto taught has. एक मिनट, as hitherto taught, एक मिनट रुकना। hitherto का मतलब क्या होता है? Until now. अब तक। That means क्या कह रहा है? अब तक जो system of medicine जो practice हो रहा था, ठीक है, अब इसको पढ़ो फिर से। I have to inquire whether medicine as hitherto taught has in all its parts been merely developed out of the heads, the self-deception and the caprice of its professors,
or whether it has been derived from nature. If it be merely a product of speculative subtlety, arbitrary maxims, traditional practices, and capricious deductions drawn from ambiguous premises, it is and remains a nullity, though it may reckon its age by thousands of years and be decorated with the charters of all the kings and emperors of the earth. The true healing art is in its nature a pure science of experience. यहाँ तक इसके पहले जो true healing art है इसके पहले तक जो बात कर रहा है ना ये इस context में कर रहा है that is called theoretic medicine जिसको orally में translate किया गया theoretical medicinal art. तो अब जब आप theoretic medicine का notes बनाओगे then you must refer this preface ये जो ऊपर का second और third paragraph है ठीक है यहाँ पे देखो उन चीजों को कैसे differentiate कर रहा है कि ये कैसे एक सिर्फ कुछ लोगों के दिमाग का उपज है जो कि कभी भी experimentally proved नहीं है बस हम बड़े लोग हैं हमने कह दिया हम एक authoritative person है हमने कह दिया अब वो practice में आ गया That is not rational, that is not logical. ये पैराग्राफ जो अभी पढ़ा ये समझ में आया हेलो सर इसका मीनिंग समझ में आ रहा है वहां पे हनीमैन देखो उन चीजों को कह रहा है कि जो मेडिकल प्रैक्टिस उस टाइम तक चल रहा था मतलब हनीमैन के टाइम पे जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो प्रैक्टिस जो उस वक्त प्रचलन में था जो उस वक्त प्रैक्टिस हो रहा था उसको कह रहा है वहां पे कि दे आर बेस्ड ऑन जस्ट हाइपोथेसिस समवन्स आइडिया और इसी चीज को कलेक्टिवली उसने फुटनोट वन में कहा है थ्योरेटिक मेडिसिन अब एक बार फिर से इसी सेकेंड प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन का सबसे लास्ट में चले जाओ लास्ट पैराग्राफ पे आ जाओ Yes, sir. ऊपर में देखो क्या लिखा है सोबर अनप्रेजुडाइज्ड वाला नहीं उसके ऊपर वाला पैराग्राफ की स्टार्टिंग या फिर उसी पेज स्टार्टिंग ऑल दीज अननेचुरल हाँ ऑल दीज अननेचुरल ह्यूमन डॉक्ट्राइन्स आफ्टर बीइंग कनेक्टेड टुगेदर by all sorts of illogical false deductions were then welded into scholastic forms by the noble art that devotes itself to division subdivision and tabulation and lo the manufactured article the art of medicine was ready for use a thing the most opposed to nature and experience it is possible to conceive A structure built up entirely of the opinions of various kinds furnished by thousands of differently constituted minds. In all its parts, this edifice is a purely nullity, a pitiable self-deception eminently fitted to imperil human life by its methods of treatment, blindly counter to the end proposed. Incessantly, ridiculed by the wisest men of all ages and laboring under the curse of not being what it professes to be and not being able to perform what it promises. Sober, unprejudiced reflection on the other hand... यहीं तक ये जो पैराग्राफ बताया है और इसका जो शुरू का जो पैराग्राफ बताया है ये दोनों आपको समझने में इस चीज को आसानी होगा कि व्हाट हनीमैन वांट्स टू से व्हेन ही से थ्योरेटिक मेडिसिन व्हाट ही वांट्स टू से व्हेन ही से थ्योरेटिकल मेडिसिनल आर्ट सो अब जो हमने आपको अभी अभी सबसे पहले तीन सेंटेंस लिखाया है अभी जो नोट करने के लिए उसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट में लो एंड देन दीज टू पैराग्राफ जो इस सेकेंड प्रीफेस के सेकेंड थर्ड पैराग्राफ और ये लास्ट से ऊपर वाला जो पैराग्राफ है
इस पैराग्राफ को मिला के आपका एक नोट्स बनेगा, आपका एक अंडरस्टैंडिंग बनेगा, आपका एक कॉन्सेप्ट बनेगा रिगार्डिंग थ्योरेटिक मेडिसिन. एंड देन नाउ ऑनवर्ड्स यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ एनी ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू थ्योरेटिक मेडिसिन के हम पेशेंट के साथ क्या कर रहे हैं. इससे कहीं ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज माय मोटिव, व्हाट इज माय कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट व्हाट आई एम डूइंग विथ माय पेशेंट. हाथ में स्कैल्पेल होने का मतलब कोई अच्छा या खराब है ये डिसाइड नहीं किया जा सकता. हाथ में अगर एक स्कैल्पेल है हाथ में तो वो सर्जन भी हो सकता है और वो एक मर्डरर भी हो सकता है. सो इट इज द कॉन्सेप्ट, इट इज द मोटिव बिहाइंड योर वर्क इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज दिस एक्चुअली डिसाइड ए लॉन्ग टर्म फिट. This actually decide a long-term benefit of the society, of whatever things related to you. So, ये जो हमने आपसे सवाल पूछा था उस concept में इन चीजों को, जैसे हमने आपको एक last class में एक film देखने के लिए बोला था, आप लोगों ने देखा second year? फिर सब चुप हो गए. सेकेंड ईयर आवाज आ रही है? यस सर. फिल्म देखी थी? नो सर. क्यों, नेट नहीं है क्या, टाइम नहीं है या फिल्म नहीं देखते? आपको हमने वहां पर भूल भुलैया देखने को कहा था. भूल भुलैया का जो लास्ट आधे घंटे का पार्ट है उसको एक बार देखोगे या उस पूरी फिल्म को भी देखोगे ना, तो हमने जो आपको जो पहले क्लास में एक सवाल दिया था ना, एक रोई ढूंढने वाला और उसका जो साइकिक डिस्टर्बेंस हुआ था, वेरी सिमिलर फेनोमेना इज रिफ्लेक्टिंग इन दैट मूवी. जहाँ विद्या बालन क्यों मेंटली इल हो जाती है उसका रीजन देखना, वहां पे उसके रीजन के ऊपर आप देखोगे कोई एक स्ट्रॉन्ग मेंटल इलनेस या कोई स्ट्रॉन्ग मॉर्बिफिक कॉजेटिव एजेंट नहीं है उसमें. देखोगे जब उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो जब बचपन से एक लाइफ सिचुएशन से गुजर रही होती है और उस टाइम पे जब उसको एक कहानी सुनने को मिलता है ना, उस कहानी का किरदार उसके अंदर अपने आप में उस चीज को वो एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद She is started behaving like that character. अब उस character में देखोगे वो character, वो acceptance उसके अंदर आया कहाँ से? कहानी सुन के आया. वो character mathematic cause की वजह से वहां पे नहीं develop हुआ. वो character किसी morbific agent की वजह से नहीं develop हुआ. और इसी का best example जो है, जो आपको हमने आपको footnote 16 में जो लिखा हुआ है कि छोटी छोटी बातें से भी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से भी वाइटल फोर्स डिरेंज हो सकता है. देखो एक बार फिर से 16 को पढ़ो, मतलब फिर एफरिज्म 16 का फुटनोट पढ़ो. One short footnote appears in the sixth edition as follows: Most severe disease may be produced by sufficient disturbance of the vital force through the imagination and also cured by the same means. ठीक है, that means imagination से आया है. आपको हमने last class में बताया ये aphorism 11 में जिस तरह से कह रहा है ना कि primarily deranged of vital force by morbific inimical agent, जो 11 में decide कर रहा है वो उस तरीके से नहीं आया. अगर उससे आया होता तो मेडिसिन ही रिक्वायर्ड होता. ये कहां से आया है? इमेजिनेशन से आया है. इसीलिए इसको कहता है कि इसको इसी तरीके से ठीक करना पड़ेगा.
और वो तरीका क्या है? एक्चुअली दिस पैराग्राफ कंटिन्यूज विद योर एफोरिज्म नंबर 17 फुटनोट, और वहां देखोगे जहां मोरल रेमेडी लिखा हुआ है उसके तीन सेंटेंस ऊपर चले जाओ, क्या कह रहा है? ए कनिंग डिसेप्शन। अब वहां पे देखो जो उस सीन में जहां विद्या बालन को अक्षय कुमार और उसका एक और जो भी असिस्ट करने वाला एक और जो वहां पे एक जो भी कैरेक्टर एक होता है वो वहां पे एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है उस तरह का। कैसा सिचुएशन? जैसा उसने इमेजिन करके एक कैरेक्टर को एक सिचुएशन को उसने बना लिया था उसके अकॉर्डिंग एक सिचुएशन क्रिएट करके एक डिसेप्टिव फेनोमेना के साथ एक ऐसा झूठा एक उस इंसिडेंस को कर रहा है। आप अगर फिर से फिल्म देखोगे तो वो चीज आएगा और ये लाइव एग्जांपल आपको मिलेगा इस दोनों फुटनोट का उस फिल्म के अंदर। एंड नाउ व्हाट हैपेंस? विद्या बालन का वहां पे जो कैरेक्टर होता है वो ठीक हो जाती है, उसका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो ठीक हो जाता है। तो इस स्टेज में इस चीज को करेक्ट करने के लिए मेडिसिन रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये जो परफॉर्मेंस किया गया ठीक करने के लिए और ठीक हुई विदाउट मेडिसिन बाय एक्ट बाय वर्ड्स बाय डिसेप्शंस, दिस इज द पार्ट ऑफ मोरल रेमेडी, दिस इज द पार्ट ऑफ साइकोथेरेपी, दिस इज द पार्ट ऑफ काउंसिलिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ हिप्नोटिक थेरेपी। आप इसको आज जितना भी नाम ले लो, कैथारसिस कहते हैं, साइकोथेरेपी कहते हैं, साइकोएनालिटिकल अप्रोच कहते हैं, दीज ऑल आर व्हाट द टर्म्स जिसको हनीमैन उस टाइम पे एक शॉर्ट वर्ड में लिख के चला गया, मोरल रेमेडी, जिसका तरीका वहां कह दिया, जिसको डिसाइड कर दिया वहां पे हनीमैन। सर हाँ सर, ऐसे अगर हम देखें मतलब वहां भी मतलब थ्योरेटिक मेडिसिन में भी हमने देखा कि उसने बस पेशेंट को ना मैन्युपुलेट किया या फिर हाइपोथेसिस से, और मोरल रेमेडी में भी यही हो रहा है कि मतलब वो हाइपोथेसिस से या फिर मतलब कहीं ना कहीं मैन्युपुलेट ही किया है, तो दोनों सेम ही हुए ना फिर? नहीं, तो सेम हुए ना, हमें वही ने कहा कि स्कैल्पेल हाथ में रख के पेट काटने वाला मर्डर नहीं हो सकता, वो सर्जन भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, यहाँ जो वो कर रहा है दैट इज बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंट ऑफ साइकोलॉजी, ये एक कंसेप्ट बना है साइकोलॉजी। आपने अगर पढ़ा है साइकेट्री, आपने पढ़ा है तो साइकेट्री में एक लॉजिकल एक्सपेरिमेंटेड कंसेप्ट है जिसको हम काउंसिलिंग कहते हैं, जिसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं। दैट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन ए लॉजिकल रेशनल कॉन्सेप्ट, जबकि जो थ्योरेटिक मेडिसिन में है वहां जो डिसेप्शन है उसमें कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटेड बेस्ड नहीं है। और रिजल्ट देखो, यहाँ पेशेंट ठीक होगा, वहां आप पेशेंट को सिर्फ गुमराह कर रहे हो, ठीक नहीं कर पाओगे बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट ही रेशनल नहीं है। तो अल्टीमेट रिजल्ट यहां तो पेशेंट ठीक हुई, वहां क्या ठीक हो रहा है? वहां एक के बाद एक, एक के बाद एक कंटिन्यूएशन में हो रहा है ना, तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट फिर देख लो। तभी हमने कहा कि आप क्या कर रहे हो इसका जजमेंट, इसका परफेक्शन अंडरस्टैंडिंग तभी आएगा कि व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस व्हाट यू आर डूइंग। ये अगर मोटिव मैनिपुलेटिव है देन दिस इज थ्योरेटिकल, अगर ये मोटिव मैनिपुलेटिव नहीं है, अगर ये मोटिव जस्टिफाइड है, रेशनल है, तो फिर ये थ्योरेटिकल नहीं होगा। इसी चीज को समझाने के लिए हमने आपको एफरिज्म 1 पढ़ाते वक्त 17 के फुटनोट और 16 में आपको हम ले गए अभी, बिकॉज उसके कंट्रास्ट में अगर इसको समझोगे तो इसका अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर होगा। जो 17 में कर रहा है, जो वहां मैनिपुलेशन कर रहा है, दैट मैनिपुलेशन इज ए पार्ट ऑफ लॉजिकली एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसको आज हम एक नए सब्जेक्ट के नाम पे जानते हैं, दैट इज कॉल्ड साइकेट्री। फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी पढ़ा है आप लोगों ने? सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो तो वहां देखोगे साइकोलॉजी में, देखो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, फ्रॉयड को पढ़ो, कार्ल गुस्ताफ यंग को पढ़ो, एडलर को पढ़ो। अब देखो फ्रॉयड ने जो वहां पे किया तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं ना कि उसके दिमाग में आ गया और कर दिया, जब फ्रॉयड का कॉन्सेप्ट लिखा गया
तो उसके पीछे कितना सारा एक एक्सपेरिमेंटेशन हुआ। उसके बाद फिर उसको जब कार्ल गुस्ताफ यूंग ने उसको आगे फॉलोरेट किया, तो उसमें देखो फिर एक्सपेरिमेंटेशन है। वो सब क्या एक हाइपोथेसिस के ऊपर सिर्फ बेस्ड नहीं है, उसको एक एक्सपेरिमेंटेशन के बाद डे बाय डे उसका इम्प्रूवमेंट आता गया। आप साइकोलॉजी में देखोगे कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी पर होगे या डिफरेंट फिनोमेना पर होगे, साइकी ऑफ माइंड है, तो दीज आर बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। आपने अभी फिजियोलॉजी में पावलो का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, जो उसने डॉग के ऊपर और कुछ फूड को रख के किया था। कितने कितने पढ़ा है इसको, पढ़ा है सेकेंड ईयर? यस सर। क्या है वो, थोड़ा सा बताओ अगर पढ़ा है तो। सर वो एक डॉग होता है और एक उसका ओनर होता है जो उसको खाना देने के लिए हमेशा बेल बजाता है। और फिर अगर वो सेम टाइम पे हर रोज बेल बजाता है तो डॉग खाना खाने के लिए आ जाता है। और तो वो उसने ये देखा कि उसने बेल से एसोसिएट कर लिया था खाने को डॉग ने, तो जिस दिन खाना नहीं भी रखा और सिर्फ बेल बजाई तो भी वो डॉग सलाइवेट करता है।